गाइज, आज से पहले बहुत सारा आपने वीडियो देख लिया होगा YouTube पे, जिसमें आपको सिखाया जाता है किस तरीके से आप HDRCC यानी कि मतलब देखते हो यार बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है Instagram पे, लेकिन आपका भाई आपको सिखाएगा CapCut ऐप के अंदर आप कैसे कर सकते हो HDR वाला वीडियो एडिटिंग यानी रील एडिटिंग। वो भी आपको एकदम चुटकियों में सिखाएंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ये वीडियो फुल डिटेल वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइज, आपको सबसे पहले ना CapCut ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। CapCut ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको अपने उसको रन करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन आपका तभी काम करेगा जब आपके पास ये ऐप रहेगा, ठीक है। तो ये है टर्बो VPN। तो ये VPN ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें कुछ एड वर्ड आएगा जो है, जो कि आपको कट कर देना है, क्योंकि ये मतलब समझ रहे हो इसका पेड वर्जन जो है नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो यार आपको क्या करना है, जो भी करना है आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। ये बहुत ही अच्छा टर्बो VPN ऐप है। VPN से आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर लो, या फिर आप वाईफाई से करो, या फिर आप डाटा से करो, कुछ भी, लेकिन VPN से कनेक्ट कर लो। तो देख पा रहे हो कि यहाँ VPN का जो है साइन आ रहा है, जो कि हमारा डाटा जो है कनेक्ट है VPN से। उसके बाद आपको CapCut ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। CapCut ऐप हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हमने CapCut ऐप को ओपन कर लिया। आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, या फिर आप ऑलरेडी अगर आप कोई प्रोजेक्ट रखे हो अपने वीडियो का, जो कि आप एडिट करना चाहते हो, तो उसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वीडियो ऐड कर रखा था, तो हमने ये न्यू प्रोजेक्ट समझो कि ले लिया है, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको यहाँ इफ़ेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो तरह का इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। एक मिलेगा वीडियो इफेक्ट, दूसरा मिलेगा बॉडी इफेक्ट। तो वीडियो इफेक्ट जो क्या है कि वो पूरे वीडियो पे आपका अप्लाई होगा, और बॉडी इफेक्ट जो है, जो कि आपके वीडियो में आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट है, मतलब ये लड़की है, तो सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो बॉडी इफेक्ट है, ठीक है। हम बॉडी इफेक्ट में कोई भी ट्राई करेंगे, ये सिर्फ जो है बॉडी पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। पूरा वीडियो से इसको कोई लेना देना नहीं है भाई, देखो ये सिर्फ बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए। अगर आपको पूरे वीडियो पे चाहिए, तो आपको वीडियो इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ये देख पा रहे हो कि ये पूरा वीडियो में नहीं है, ये सिर्फ बॉडी पे है, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ से कट करते हैं, देन बैक जाते हैं। हमें चाहिए वीडियो इफेक्ट। सबसे पहले अपने वीडियो की आप लेंथ देख लो, आपको अपनी वीडियो की लेंथ कितनी रखनी है। तो हमें ना इसकी साउंड जो है पहले कम कर देना है, मतलब बंद कर देना है, ठीक है। तो हम इसको साउंड को बंद करने के लिए इस पर टैप करेंगे, वॉल्यूम में जाएंगे, एंड यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए गाइज हमें ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे कहीं क्लेम वगैरह ना आ जाए इस वजह से, ठीक है। तो हमें ना यहाँ से वीडियो चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हमें कट करना है। तो इसके लिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे, देन ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट के अंदर आएंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक प्ले होगी, ठीक है। तो हमें इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, यहाँ तक जो है सही लग रहा है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, यहाँ से हम क्लिक करके स्प्लिट करेंगे, देन इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देख पा रहे वीडियो की एक छोटी सी पार्ट यहाँ पे बन चुकी है, जो कि 8 सेकंड की क्लिप है, ठीक है। तो कुछ इस 6 ही सेकंड की है यार, हमको लगा 8 सेकंड की है। आपको ये जो है एंडिंग का जो पार्ट आपको मिलेगा, ये आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। वाटरमार्क रहेगा तो वो आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। बाकी गाइस आपको यहाँ से बैक जाना है, इफेक्ट्स के अंदर आपको चलना है। यहाँ से आपको वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की जो है लोडिंग होगी आपका। जब तक VPN से कनेक्ट रहेगा तभी ये चलेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो आप VPN डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी गाइज यहाँ से आपको इधर की तरफ चलना है, पूरा इधर राइट साइड की तरफ। यहाँ पे आपको एक मिलेगी कॉमिक, क्योंकि देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट की जो है कैटेगरी बनी हुई है। आप देख पा रहे हो बटरफ्लाइज, स्प्लिट फ्रेम, मतलब देख पा रहे हो कि इस तरीके की वैरायटी बहुत सारी है। आपको यहाँ कॉमिक में जाना है। कॉमिक में जाने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आपको मिलेगी एक B&W कॉमिक, इसका मतलब है ब्लैक एंड वाइट कॉमिक। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इफेक्ट जो है आपके वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा, देन यहाँ से इसको डन करेंगे, ठीक है। तो इसे खींचकर कुछ इस तरीके से जो है अपने आपको पूरे वीडियो पे इसको लगा देना है, ठीक है। ये पूरा वीडियो के ऊपर जो है ये इफेक्ट लग गया है। अभी आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, वीडियो इफेक्ट पे। देन अभी आपको क्या करना है, बेसिक में चलना है, ठीक है। बेसिक में हम आ गए, यहाँ से आपको एक ब्लड वाला इफेक्ट जो है डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आपको मिल जाएगा ब्लड इफेक्ट। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये है ब्लर। तो हम ब्लर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग होगी, एंड ये जो है ब्लर का इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये अप्लाई होता है, तब तक हम नीचे का कुछ इफेक्ट देखते हैं। ये देख पा रहे हो, और भी बहुत सारा इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको वेट करना है, एंड जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना भाई, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी।
अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप मतलब और भी कैपकट ऐप में अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो एकदम मस्त, बिल्कुल ही अलग अलग सबसे। तो अभी हम फिलहाल के लिए वेट करते हैं ये इफेक्ट जब तक अप्लाई होता है, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे हो ये ब्लर वाला इफेक्ट जो है अप्लाई हो गया है, इसको भी हम यहाँ से डन करेंगे। एंड ये जो है ब्लर को हम कुछ इस तरीके से खींचकर इसको भी इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ा हो गया, बाकी गाइस यहाँ से आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है, ये 99% पे आके रुक गई है भाई, क्यों ये सेव हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ से डन करेंगे। अब गाइज इसी वीडियो को दोबारा से खोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज जो इफेक्ट है उसको हम रिप्लेस करेंगे इस बार, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कि ये दो इफेक्ट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो ये जो बी एंड डब्ल्यू कॉमिक वाला इफेक्ट है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से रिप्लेस इफेक्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके की लोडिंग होगी। इस बार आपको क्या करना है, यहाँ एक नियोन वाला इफेक्ट मिलेगा, आप देख पा रहे हो ये नियोन का इफेक्ट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ से इसको डन कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी पूरा लेयर जो है वीडियो के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि हमने बस इफेक्ट को जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। तो हम इसको भी कुछ इस तरीके से सेव कर लेंगे। जैसे आप ऊपर टाइप करोगे एरो मार्क पे, आपकी वीडियो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमारी सेव हो गई, डन करते हैं यहाँ से, ओके। अब गाइस हम जाएंगे इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड इन दोनों इफेक्ट को अब आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। आप देख पा रहे हो कि हमारी वीडियो जैसे पहले थी वैसे ही सेम अभी हो चुकी है, ठीक है। अभी क्या करना है कि जो दोनों वीडियो हमने सेव किया है उसको जो है इस वीडियो के ऊपर हमें लगाना है। तो उसके लिए गाइस क्या करना है, यहाँ आपको एक ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। एंड ये वाला वीडियो जो है हमने पहले सेव किया था इसको पहले ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसको जो है जो अपने मतलब साइज़ के अनुसार सेट कर लेना है, जो आपकी वीडियो की फ्रेम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, फ्रेमिंग कर सकते हो, या फिर इसको जूम करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको वीडियो को थोड़ा सा जूम करके अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी वीडियो में पूरा फिट आ जाए, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरीके से इसको दो फिंगर से जूम करना है एंड ये देख पा रहे हो अच्छे से सेट हो गया, ठीक है। देन यहाँ से बैक जाएंगे, आप देख पा रहे हो ये जो है यहाँ पर इफेक्ट सेट हो गया है। अब फिर ऐड ओवरले पे क्लिक करना है एंड दूसरा वाला जो अपना वीडियो था जो कि नियोन इफेक्ट हमने अप्लाई किया था इसको भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस पर भी हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से एंड इसको भी हम ऐसे ऐसे करके मतलब वीडियो के फ्रेम में सेट आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारी वीडियो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अभी गाइस आप देख पा रहे हो कि वीडियो कुछ इस टाइप की लग रही है, ठीक है। तो अभी जो है आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी जो है ये वीडियो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देख पा रहे हो ये दो इफेक्ट जो हमने लगाया हुआ है। अब आपको जो है स्पाइस पे क्लिक करना है, ये पहले वाले इफेक्ट पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ स्पाइस पे क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक बर्न का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो बर्न पर आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड बर्न की जो है अमाउंट आपको लगभग यहाँ 53 या 54 के अराउंड रख लेना है, देन डन करना है। अब आपको ये इस पर क्लिक करना है एंड अब जो है डॉट्स वाला इफेक्ट आपको अप्लाई करना है। तो स्पाइस पे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे डॉट्स वाले इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो डॉट्स वाले इफेक्ट के अंदर हम आ गए। जैसे आप डॉट्स पे क्लिक करोगे आपकी वीडियो देख पा रहे हो कि HDR वाले लुक में एकदम सेम भाई आ जाएगी। एंड इसे आपको ज़्यादा कम नहीं रखना है, इसे फुल आपको रहने देना है, ठीक है। बाकी यहाँ से इसको डन करना है। अभी गाइज आपको वीडियो पूरा दिखाते हैं, ये देखो। तो गाइज हो गई ना HDR वाली एडिटिंग, देख पा रहे हो कि कितना अच्छे तरीके से हो गया। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी हम आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं कि पहले कैसे थी एंड अभी कैसा है, ठीक है। तो अभी ये दोनों इफेक्ट है ना, इसको हम हाफ ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट को हम कुछ इस तरीके से मतलब कि क्रॉप करके इतना हाफ ऑफ कर दिए, ठीक है। बाकी इतना इफेक्ट जो है पार्ट देखो, इसमें जो है इफेक्ट लगा हुआ है HDR वाला, ये मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। एंड अब देखो जो है इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो देख पा रहे हो बिफोर की वीडियो कुछ ऐसी थी एंड आफ्टर की वीडियो कुछ ऐसी है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। तो कुछ इस तरीके की गाइज आप अपने जो है HDR वाला एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी इजी है। होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो यार आप लोग कमेंट करके हमसे पूछो एंड कैपकट ऐप से अगर आप लोग और ज़्यादा वीडियो चाहते हो तो वो भी बताओ, हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाने के लिए तैयार हैं भाई, आप लोग बस कमेंट कर दिया करो यार। चलो तो इस वीडियो में कुछ इतना ही था, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। यहाँ से सेव करना तो भूल ही गया भाई, मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, बाय।